कानून की किताब के अनुसार जो कोई व्यक्ति स्वेच्छा उपपति करता है, यदि वह उपपति जिसे खारित करने का उसको हास्य है या जिसे वह जानता है कि उसके द्वारा उसका किया जाना संभव है, घोर उपपति है। और यदि वह उपपति जो खारित करता है घोर उपपति को, तो वह स्वेच्छा घोर उपपति करता है, यह कहा जा सकता है। यह तो साबित हुआ कि उपपति हुई, घोर उपपति भी हुई। रुको जरा, सबर करो। लेकिन फिर भी यह साबित नहीं हुआ कि मेरे मासूम वकील ने ऐसी अपनी इच्छा से किया, और यह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत इस अदालत के समक्ष नहीं लाया गया कि चोट मेरे मुवक्किल ने जानबूझकर पहुंचाई, और ना ही अभियुक्त पक्ष यह साबित कर सका कि मेरे मुवक्किल के पास ऐसा करने की कोई वजह थी, ना कोई रंजिश ना कोई बैर। और धारा 322 स्वेच्छा गौरवपति मांगती है, लिया जाइए ज्यादा से ज्यादा एक दुर्घटना मात्र, और दुर्घटनाओं के लिए कोई सजा नहीं होती, क्योंकि दुर्घटना की नहीं जाती, दुर्घटना हो जाती है। उसी तरीके से जैसे प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है।